हेलो फ्रेंड्स, क्या एस्पिरिन को किडनी वाले पेशेंट्स में लेना चाहिए या नहीं, क्या एस्पिरिन के किडनी पर हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये डिस्कस करेंगे। एस्पिरिन जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए, स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के लिए, इवन वैल्व वाले पेशेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाइयों में आती है, क्योंकि ये खून पतला करने की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ज़्यादातर लोगों को बोला जाता है कि उन्हें लाइफ टाइम एस्पिरिन लेना चाहिए। अब इशू ये आता है कि क्या ये किडनी वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। हार्ट पर तो देखिए खून पतला करती है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है, लेकिन इसके किडनी पर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों है साइड इफेक्ट्स, किस तरह के साइड इफेक्ट्स हैं और इस पे स्पेसिफिक इशूज़ क्या आते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर। एस्पिरिन जो है खून पतला करने का बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये प्रोस्टाग्लैंडिंस पर ऐड करता है, थ्रोम्बोक्सेन पर ऐड करता है। थ्रोम्बोक्सेन बेसिकली प्लेटलेट को चिपकाने वाला या प्लेटलेट के प्लग्स बनाने वाला एक इंपॉर्टेंट तत्व है। जब थ्रोम्बोक्सेन बनता है तो सारे प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं जिससे क्लॉट बनता है। प्लेटलेट्स के ये प्लग हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है। एस्पिरिन को इसलिए दिया जाता है ताकि ये प्लेटलेट का चिपकना या उनके प्लग बनना या क्लॉट बनाना, प्लग का बेसिकली मतलब क्लॉट है, क्लॉट बनाने की प्रक्रिया को वो रोक सके। इसीलिए हर हार्ट पेशेंट में एस्पिरिन को देना अनिवार्य है और ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम देना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल डेटा है और ये डेटा दर्शाता है कि क्योंकि एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सेन को तो इनहिबिट करता है लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिंस खासकर PGI-1 I-2 इनको भी इफेक्ट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आई को इनहिबिट करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है किडनी के ब्लड फ्लो को रेगुलेट या कंट्रोल करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब बढ़ते हैं तो किडनी की नलियां डायलेट होती है तो किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब ये कम हो जाते हैं तो किडनी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एस्पिरिन इन प्रोस्टाग्लैंडिंस को इनहिबिट करता है या उनको भी रोकता है, जिसकी वजह से किडनी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर हाई डोज में एस्पिरिन को दिया जाए तो किडनी को नुकसान कर सकता है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि हर हार्ट पेशेंट को किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से एस्पिरिन काम करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के लिए। और आज के डेट में जहाँ कार्डिक का ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा कॉमन है, एंजियोप्लास्टी इतना ज़्यादा कॉमन है, बाईपास सर्जरीज इतनी ज़्यादा कॉमन है, वहाँ एस्पिरिन को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह से ऐसी दवा है जिस पर पेशेंट की ज़िंदगी निर्भर है। इसीलिए काफ़ी केसेस में इन सारी चीज़ों को साइडलाइन करने के बावजूद भी आपको एस्पिरिन को देना पड़ता है। उसका कारण ये है कि एस्पिरिन के बिना काम नहीं चलता है। एस्पिरिन एकमात्र ऐसी दवा है जो एक अलग तरीके से खून को पतला करती है। इसके अलावा P2Y12 इनहिबिटर्स यानी क्लोपिडोग्रेल, प्रासिग्रेल, टिकाग्लोर, ये ग्रुप की मेडिसिन आती है जो P2Y12 इनहिबिटर को रोकती है। वो भी प्लेटलेट के एक्शन को कम करती है, लेकिन एस्पिरिन का कम करने का तरीका कुछ और अलग तरीके का है। इसीलिए ज़्यादातर केस में एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल को या एस्पिरिन या टिकाग्लोर या प्रासिग्रेल को साथ में कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है। यानी इस कॉम्बिनेशन में ये तीनों में से कोई एक दवा और एस्पिरिन 75 mg ये साथ में होना कंपलसरी है, क्योंकि ये दोनों में से एक को भी अगर हम छोड़ते हैं तो खून पतला करने का जो असर है वो कम हो जाएगा, क्लॉट बनने का रिस्क कम हो जाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा, क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। इसीलिए किडनी को भले एस्पिरिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, फिर भी एस्पिरिन को दिया जाता है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि बहुत हाई डोज पर अगर एस्पिरिन को दिया जाए तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है, खासकर अगर किसी पेशेंट का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो, और खासकर अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन का या लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वैसे केस में एस्पिरिन किडनी पर नुकसानदायक इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये सोचना कि एस्पिरिन कम्प्लीटली सेफ है किडनी पेशेंट्स में, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट्स का किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है कि किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा है। यदि हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा अर्जेंट है और अगर उसके एस्पिरिन नहीं दिया गया तो पेशेंट का जान का खतरा हो जाएगा, तो वैसे केस में एस्पिरिन को देना पड़ता है। यदि ऐसा लगता है कि नहीं किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा है और एस्पिरिन दिए बगैर काम चल सकता है तो फिर क्लोपिडोग्रेल, प्रासिग्रेल, टिकाग्लोर और ये सबसे काम चलाया जाता है और एस्पिरिन को नहीं दिया जाता है। हालांकि एस्पिरिन का जो ये साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं है और हर पेशेंट में ऐसा होता है ऐसा नहीं है। इसीलिए थोड़ा बड़ा अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है या अगर किसी का किडनी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उसको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस पेशेंट को बहुत हाई डोज में एस्पिरिन दिया जाए।
ज़्यादातर स्टडीज़ ये शो करती है कि एस्पिरिन का जो इफेक्ट है वो डोज डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए अगर आप सिर्फ 75 मिलीग्राम एस्पिरिन भी अगर देते हो पेशेंट को तो वो भी सफिशेंट है, उसमें किडनी का डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है, क्योंकि किडनी को डैमेज करने का जो एक्शन है वो ज़्यादा डोज पर ज़्यादा होता है। खून पतला करने का जो एक्शन है वो डोज डिपेंडेंट नहीं है, मैंने 75 देंगे तो भी उतना ही होगा, 150 देंगे तो भी उतना ही होगा, 300 देंगे तो भी उतना ही होगा, हाँ स्पीड बढ़ जाएगा लेकिन असर उतना ही होगा। तो इसीलिए एस्पिरिन को हमेशा 75 मिलीग्राम्स में ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। अगर ज़्यादा डोज पे दिया भी जाता है तो बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए या थोड़े दिनों के लिए ही दिया जाता है। ज़्यादा अगर किसी का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, किडनी में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम है, या किसी को अक्यूट किडनी फेलियर है, तो वहाँ पे एस्पिरिन को थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। इसके अलावा एस्पिरिन का एक और इम्पॉर्टेंट एक्शन है कि वो कुछ ब्लड प्रेशर कम करने वाली जो ACE इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उससे भी इनका इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एस्पिरिन को हाई डोज में देने से किडनी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये दोनों मेडिसिन भी वैसे तो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन अगर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो और किडनी का ब्लड फ्लो अगर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो ये दवा किडनी को नुकसान भी कर सकती है। हालांकि ये थोड़ा सा समझाना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से होता है, क्या होता है, और ये एक तरह से क्यों ये दवा प्रोटेक्टिव है और क्यों यही दवा नुकसान भी कर जाती है, तो ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतना समझ लीजिए कि एस्पिरिन बाकी दवाओं के साथ भी इंट्रैक्ट करके किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एस्पिरिन किडनी के खराब वाले पेशेंट्स में पूरी तरह से सेफ नहीं है। हर इस तरह के पेशेंट्स में हमको एक कंपेरेटिव एनालिसिस करनी पड़ती है, जहाँ किडनी भी खराब है और हार्ट भी खराब है, कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है। किडनी को हम पूरी तरह से दरकिनार तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि जब प्रायोरिटी ये है कि हार्ट अटैक से पेशेंट को बचाना है, स्ट्रोक से बचाना है, और क्लॉटिंग रिस्क अगर बहुत ज़्यादा है तो हमको एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल के लिए कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। अगर ऐसा प्रायोरिटी है कि देखिए पेशेंट को ऑलरेडी 1-8 साल हो चुका है, एंजियोप्लास्टी करे, काम चल सकता है, एस्पिरिन को देने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ हम एस्पिरिन को बंद करके सिंगल क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेल और प्रासुग्रेल पे पेशेंट को कंटिन्यू कर देते हैं और एस्पिरिन को बंद कर देते हैं, खासकर उन लोगों में जिनका किडनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब है उनमें। पर ज़्यादातर एक कंसिड्रेशन एटलीस्ट देना चाहिए कि किडनी वाले पेशेंट्स में एस्पिरिन देना है या नहीं, एटलीस्ट एक बार रीथिंक करना चाहिए, खासकर उन पेशेंट्स में जिसमें किडनी का प्रॉब्लम बिगड़ रहा है या पहले से बिगड़ा है। अगर पहले से पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल्स अगर अच्छा है और अगर बिगड़ रहा है और पेशेंट एस्पिरिन पे है, तो एस्पिरिन क्योंकि एन एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, तो थोड़ा सा आपको सोच विचार करना चाहिए एज अ पेशेंट भी और एज अ डॉक्टर भी, कि ये दवा कंटिन्यू करनी है कि नहीं, और फिर रीडिसीजन लेना चाहिए कि दवा कंटिन्यू करनी है कि नहीं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली ये मान के चलना चाहिए कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए 99% पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। इनफैक्ट आप मान के चलिए कि इस कंडीशन की वजह से एस्पिरिन को बंद करना पड़ा हो, ऐसा शायद ही कभी होता है, ज़्यादातर केस में आपको दे सकते हो, और बहुत कम ही केस में ऐसा होता है कि पेशेंट का किडनी का फंक्शन जो है एस्पिरिन की वजह से बिगड़ता है। इसलिए जो खासकर 75 मिलीग्राम का डोज है उसमें तो बहुत ही कम केस में होता है, इसलिए पोटेंशियली आप इसको मान सकते हो कि ये ज़्यादातर पेशेंट्स में सेफ है। अगर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज किडनी है और किडनी का फंक्शन बिगड़ रहा है, या पेशेंट को डिहाइड्रेशन का रिस्क है, लो ब्लड प्रेशर का रिस्क है, तो वहाँ रीथिंक करने की ज़रूरत है, किडनी वाले डॉक्टर से साथ भी डिस्कस करने की ज़रूरत है, और फिर फाइनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि देना है कि नहीं देना है। और वैसे केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि दे तो थोड़े टाइम के लिए दे और फिर बाद में स्विच ओवर कर ले, 2-4 महीना 6 महीना दे के बंद कर दे, और इस दौरान किडनी को रिपीटेडली मॉनिटर करते रहें कि कुछ बिगड़ तो नहीं रहा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इस टॉपिक पर यानी एस्पिरिन के किडनी वाले इश्यूज पर हम एक और डिटेल वीडियो करेंगे, जिसमें और सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक भी आप देखिएगा तो आपके कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उम्मीद करूँगा कि टॉपिक पर कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।